de 20 rupees. Amma ji sad nahi 1 rupee. Likhe didi 20. दीदी देखा छे ना बीज में अंकुरण नहीं निकलला छे दीदी श्री विधि से भिंडी बीज को रोपाई नहीं करे छे दीदी हम सब नाइ ने रोपे छे श्री विधि के करा के दीदी हम जान भोन करे छे चलो दीदी हम श्री विधि से भिंडी रोपाई करबे चलो तहु देख लिए ठीक है दीदी चलिए अच्छा मौका छे देख लिए चलो दीदी हां दीदी चलो श्री विधि से भिंडी बीज रोपाई करे की उद्देश्य है दीदी श्री विधि से भिंडी बीज रोपाई करे के उद्देश्य है कि कुरित बीज लगेला से दीदी पौधा जल्दी आवे छे श्री विधि से भिंडी बीज उपचारित करी के लगबे छी और लाइन में लगबे छी जकरा से कि सूर्य के रोशनी पौधा पर बराबर प्रकाश मिले छे और पौधा स्वस्थ रहे छे अच्छा उद्देश्य है दीदी हमर नाम नूतन देवी छे मां अंबे जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य छिए वैष्णवी जीविका ग्राम संगठन के सदस्य छे हमर घर छोटी खगा थाना मिरगन प्रखंड धंधा पूर्णिया जिला के निवासी छे हमर नाम रोमी देवी छे हम माँ भवानी जीविका स्वयं सहायता समूह हम सदस्य छे वैष्णवी महिला ग्राम संगठन का हम सदस्य छे हमर घर छोटी खगा पड़े छे पोस्ट थाना मीरगंज पड़े छे हम पूर्णिया जिला का निवासी छे दीदी अपनो परिचय बता दिलिए श्री विधि से भिंडी बीज के रोपाई में कौन सब सामान लगे वो बता दिए उपचारित भिंडी के बीज दूठो खुरपी और दूठो मार्कर लगे छे दीदी भिंडी रोपे में उपचारित भिंडी के बीज दीदी रोपे ले दूठो खुरपी दीदी दूगो मार्कर छे भिंडी रोपे ले ये दोनों मार्कर और जरूरी छे दीदी हाँ दीदी ये सब सामान लागे छे दीदी भिंडी बीज रोपाई करे दीदी श्री विधि से भिंडी बीज लगावे खातिर एगो मार्कर लागे छे खेत के बीचों बीच एकरा लगबे ले पड़े दीदी पकड़ ना लगाओ बीचों बीच मार्कर लगलिए एगो जन रोपाई करबे उन्ना मार्कर लगाना ओकर के जे लगा दीदी दूगो मार्कर लगेलो छे ओय नाक लगेलिए ओय नाक समझ में आवे छे ई जे छे दीदी ई लाइन के सीधा करे खातिर मार्कर लगेले छिए और ई रोपाई करे खातिर मार्कर लगेले छिए और ई मार्कर जब भी छे ई दाग दोनों बराबर रहना चाहिए जैसे कि गाछ के दूरी बराबर रहे छे दीदी कितना दूरी छे दीदी ई बीच के दूरी भी 12 इंच छे और लाइन से लाइन के दूरी भी 12 इंच दीदी श्री विधि से भिंडी बीज रोपाई करे से की लाभ छे दीदी श्री विधि भिंडी बीज रोपाई करे से ई लाभ छे कि श्री विधि से भिंडी बीज उपचार करी के 12 इंच के दूरी पर लगावे छी और लाइन में लगला से फलन अधिक होय छे और अधिक लाभ होय छे श्री विधि से भिंडी के बीज रोपाई करे नि दीदी बहुत लाभ छे श्री विधि से भिंडी के बीज रोपाई करे नि दीदी कोनो सावधानियो बरतल पड़े छे हाँ दीदी सावधानी बरतल पड़े छे कि दीदी सावधानी ई बरतल पड़े छे कि खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए अंकुरित बीज दीदी सूती कपड़ा से ढकी के रखना छे ओकरा सुबह या शाम में ही रोपाई करना छे अंकुरित बीज लगेला से दीदी पौधा जल्दी आवे छे अंकुरित बीज दीदी सूती कपड़ा से ढकी के रखना छे ओकरा सुबह या शाम में ही रोपाई करना छे खेत में दीदी जहाँ अंकुरण नहीं निकलते वहाँ एक सप्ताह के अंदर दूसरा बीज रोपाई करना छे दीदी अंतिम जुताई के समय
खेतमे कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट मिलाना जरूरी छै। ना मिलेबे दीदी कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट? एक कट्ठा में दीदी 8 किलो वर्मी कम्पोस्ट या नहीं तो 16 किलो कम्पोस्ट मिलाना जरूरी छै। बीज से बीज के दूरी और लाइन से लाइन के दूरी बराबर रखे छै। दीदी श्री विधि से हमरा भिंडी बीज रोपल बताए दिलिए, दीदी यार का कोनो संदेशो देवे? हाँ दीदी देवे की हम सब दीदी भैया से चाहे छे कि श्री विधि से ही भिंडी बीज रोपाई करे जकरा से कि फलन अधिक होय छे और लाभ भी अधिक मिले छे। दीदी तो अपना कीमती समय निकाली के श्री विधि से भिंडी बीज के रोपाई करे के लिए विधि बतेलो, एकरा लिए धन्यवाद। दीदी धन्यवाद।